तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साहब की बात करेंगे तो दुनियावी और कानूनी तौर पे तो वो मुझे मज़ीद शिकंजों में फंसते हुए नज़र आ रहे हैं, फंस गए हैं और मज़ीद परेशानियाँ उनके लिए आगे बढ़ रही हैं, उनकी पार्टी के, उनके मौला जट लोगों के और उनके उन लोगों के भी जो चारों तरफ खेल रहे हैं, जो डबल एजेंट्स नहीं ट्रिपल एजेंट्स हैं। तो इसमें तो क्लैरिटी होनी चाहिए। अच्छा, जब आप वफाकी वजीर थे तो कुछ सांपों का जिक्र किया करते थे जनाब, तो सांप अब कहाँ है? दूसरा एक वर्ड अभी आपने इस्तेमाल किया कि शरारतें करते हैं, तो ये पहले ईरान की तरफ से हम पे अटैक हुआ तो उसके पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ ट्रोलिंग की गई, जब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो फिर उसके बिल्कुल अपोजिट चले गए, अब जब अफगानिस्तान की पाकिस्तान में यहाँ वाकया हुआ तो उस पर ट्रोलिंग शुरू हो गई, अब पाकिस्तान ने जवाब दिया तो उस पर फिर क्या है ये? देखिए, ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट है जो हमारे फौजी शहादतें दे रहे हैं, बॉर्डर पे काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और जवान बच्चे हैं मेरे और आपके बच्चे हैं वो, उनका तमस्कर उड़ाना एक बेशर्मी बेहयाई का नाम है, बेहसी का नाम है। उसमें जो भी ट्रोलिंग करते हैं और ये पीटीआई के जो ट्रोल करने वाले हैं उनके पास या ऐसे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रोल करते हैं ऐसे लोग, वो ज़्यादातर घर दमाद होते हैं, बेरोज़गार होते हैं, हसदखोर होते हैं, ड्रामेबाज होते हैं और इनकी कोई औकात नहीं होती, जिनका नाम ना हो, जिनकी शख्सियत ना हो और वो सोशल मीडिया पे बैठ के ट्रोलिंग करते हो, जहाँ सोशल मीडिया पे एक बहुत इंपॉर्टेंट तबका है जो आपको सही रास्ता दिखाता है, क्रिटिसाइज भी करता है, अच्छी बात भी करता है, वो एक तबका छोड़ के ये वो तबका है जो हड्डी फेंक दें तो सारे आपस में शोर शराबा शुरू कर देते हैं, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना, उनकी ट्रोलिंग से कोई फ़र्क पड़ता है, वो हमारी फ़ौज को ना डिमोरलाइज कर सकते हैं, ना हमारे पुलिस वालों को, ना हमारे जितनी भी डिफेंस के इदारे। लेकिन इसके बावजूद अगर किसी ने ट्रोलिंग की और हमारी फ़ौज ने दबके और तबाही तौर पे ज़बरदस्त किस्म का जवाब दिया, एंड वी एक्सपेक्ट द सेम फ्रॉम द आर्मी। अच्छा फैसल भाई, ये बताइएगा कि अब जो है वो यह बातें भी चल रही है पाकिस्तान तरीके इंसाफ पे, हम देख रहे हैं कि इख्तलाफात सामने आ रहे हैं वकला में, एक कहते हैं कि हमें खान साहब ने कहा था कि आप मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन का हिस्सा बन जाए, कोई कहता है हमें कहा था कि शरानी ग्रुप के साथ मिल जाए, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने ऐसी कौन सी गलती की है कि जिसकी वजह से वो मखसूस जो नशस्तें हैं उससे वो महरूम हो गए? देखिए, ये मौला जट की जो सियासत है ना, देखिए मौला जट की सियासत, हम भी उसी में ट्रेन हुए हैं, लेकिन मौला जट की सियासत का एक तरीक़ेकार होता है, एक एथिक्स होते हैं। अगर मैं आप बताऊँ कि मेरी 15 साल इस पॉलिटिकल पार्टी में कैसे परवरिश हुई है, तो मैं इज़्ज़त के बदले डबल इज़्ज़त दूंगा, प्यार के बदले डबल प्यार दूंगा, बदमाशी की जगह डबल बदमाशी करूंगा, मेरा कोई एक हाथ तोड़ेगा मैं दो हाथ तोड़ दूंगा, मैं तो बड़ा क्लियर हूँ अपनी ज़िंदगी के अंदर। लेकिन ये नहीं होता कि आप मुझे गले लगाएं, मुझे बात करने बुलाएं मैं आपको हाथ तोड़ दूँ, आप मुझे चाय बुलाएं मैं आपको गाली दे दूँ, चलें इसको भी बर्दाश्त कर लिया जाएगा, लेकिन आप तनसीबात उड़ा दें, जानो माल को ख़तरे में डाल दें, कितने लोग शहीद हो गए और स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंटली अरशद शरीफ समेत, शहीद समेत बहुत सारे लोग मासूम मारे गए हैं, और अरशद शरीफ का केस अगर खुल जाए तो पाकिस्तान की किस्मत सिमत वैसी ऑटोमेटिकली चली जाएगी, क्योंकि उसमें पता चलेगा ना कौन कौन है, कुछ छुपे हुए हैं, कुछ ख़ास हैं, कुछ सियासी शख्सियात हैं, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है, किसको फ़ायदा हुआ, कौन आज भी छुपे बैठे हुए हैं, तो ज़रूरत आने पे खोल देंगे, खोल के रख देंगे। देखिए, फौज के अलावा भी किसी को नहीं छोड़ते ये ट्रोल्स, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैंने आपको कहा ना कि बाहर हड्डी फेंक दें, अगर बाहर सब चिपक जाए तो मसला नहीं है ना, लेकिन क्वालिटी की हड्डी फेंकेंगे तो ज़्यादा शोर होगा, बगैर क्वालिटी के भेजेंगे तो कम शोर होगा, तो हम क्वालिटी शोर कर रहे हैं क्योंकि हम इस बड़े प्लेटफॉर्म पर बात कर रहे हैं। अच्छा, नंबर एक। नंबर दो ये कि ऐसा नहीं है कि पीटीआई ही की लोग ये ट्रोलिंग करते हैं फौज के खिलाफ या ज़ाती तौर पर, इसके साथ बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के भी ट्रोल्स करते हैं, उनके नाम से भी करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि बरी ज़िम्मा सिर्फ या जिम्मेदार एक पार्टी है, सारी पॉलिटिकल पार्टी, और ये जहर और नफरत जो है, वेनम जो है, वो सिर्फ एक पीटीआई की पार्टी के अंदर नहीं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर है, सिर्फ उनका काम इमरान खान साहब ने 10 गुना आगे जाके रेड लाइन क्रॉस कर दिया। आपने मौला जट का जिक्र किया, मौला जट है कौन? यार आप ना मुझे रमज़ान के महीने में ना इस टाइम पर जहाँ मुझे हर चीज़ धुंधली नज़र आ रही है, उस हिसाब से इतने सवाल करेंगे तो मैं अपना नाम भी भूल जाऊँगा, अगर आप मुझे मगरिब के बाद सिगरेट पीने और कॉफ़ी के बाद पूछेंगे तो तब के आपको सारे